So today we are having test of Sainik School 2019-20 and 21 previous years question papers. So there are total 20 questions and the test is on Google form. Each question is of 1 mark. Okay, so please read the questions carefully and then answer. कोई जल्दी नहीं करना है, अच्छे से questions read करिए and then उसके बाद answer करिए. Yes, Ravi. चलिए class. Here's the link. Chirag, Anil, switch on the camera. अच्छा, sorry, यार test है तो cameras off हो जाएंगे. Okay, okay. ठीक है, कोई issue नहीं है. All okay, Arpita? Yes, ma'am. मेरा दिखा रहा है कि ये network problem की वजह से कुछ दिखा रहा है. मैं on कर रही हूँ बस. Okay, okay. Again, I'm providing you the link because some students are joining late. मैम मैं ना मेरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ तो फिर मैम कोई नहीं, मैं आपको लिंक वापस सेंड कर दूंगी. कोई नहीं, आप ज्वाइन करो. ओके, फटाफट करो. मैम जब मैं टेस्ट खोलता हूँ मैम मेरा बताता है साइन इन टू कंटिन्यू. हाँ जी, साइन इन करवाओ. पापा या मम्मी से आईडी लो, पासवर्ड डालो एंड देन वो कंटिन्यू हो जाएगा. ओके मैम, आईडी एंड पासवर्ड आप दे, ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यू होगा. अच्छा, आप फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हो. ठीक है ठीक है, ओके बच्चा कर लो. ठीक है, स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो. यस, हियर विविता, आई हैव गिव द लिंक अगेन. आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन अर्पिता. यस मैम. मैम 20 आउट ऑफ 20. वेरी गुड. देखो चाहते 20 आउट ऑफ 20. वेरी गुड चिराग. मैम डन. आई एम आस्किंग अबाउट मार्क्स. मैम फुल मार्क्स. चलो क्या बात है. यस, अच्छे से स्टडी करिए. यस मैम, लोगों ने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से स्टडी करेंगी. यस मैम. चलो अब और देखते हैं और बाकी भी लिखना आता है. अच्छा नाउ लिसन, अब कल जो मुझे टेस्ट लेना है ना, RIMC सैंपल पेपर मैंने क्लासरूम में आपके पोस्ट किए हुए थे पहले, मैं अगेन पोस्ट कर दूंगी. तो कल का जो टेस्ट है मुझे RIMC के सैंपल पेपर जो है उनका मैं एक दो दिन में ले लूंगी. चलो अभी कल या परसों कुछ और सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे. तो बट मुझे स्टिल RIMC का एक सैंपल पेपर, उसमें अराउंड 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे आपके थोड़े से. तो उसको मैं अभी आपके क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी, तो उसको स्टार्ट कर लीजिएगा लर्न करना. यस अंशुमान, बस आपके रिवीजन ही चलेगा. हाँ जी अंशुमान. मैम मैं आईडी भर रहा हूँ मैं, फिर भी मैम हो नहीं रहा. पापा मम्मी कोई घर पे हैं? यस मैम. तो मम्मा से कह दो, मम्मा आईडी पासवर्ड डाल देंगे. मैम मम्मा यही है. तो नहीं हो रहा उनसे भी? नो मैम. फिर कोई आसपास दीदी भैया फटाफट किसी की हेल्प लो, नहीं तो फिर मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ, आप ऑफलाइन टेस्ट दीजिएगा. बोल बस आईडी एंड पासवर्ड, किसी का भी वैलिड आईडी एंड पासवर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. किसी से भी ले लो, कोई दीदी है भैया है कोई भी आसपास हो आपके. देखो ट्राई करो फटाफट, टेस्ट तो 5 मिनट्स का है, हार्डली ज्यादा लॉन्ग टेस्ट नहीं है. तो पैनिक मत हो और देखो क्या हेल्प मिल सकती है, नहीं तो फिर मैं आपको ऑफलाइन करवाती हूँ. ओके अंशुमान. ओके मैम. देखो अगर कुछ हेल्प मिलती है तो. अर्पिता ऑल ओके नाउ? ओके. अंकुर ऑल्सो गॉट 8 मार्क्स, 20 आउट ऑफ 20. मन्नत, बच्चा काफी दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन की, व्हाट हैपेंड? मैम मेरा स्टमक पेन बहुत जोर से हो रहा था मैम, मैं सिद्ध भी नहीं हो पा रही थी. Okay, और मैम मैं यस्टरडे मेरा बर्थडे था तो मैं इसलिए भी नहीं आ पाई थी. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ओके मन्नत, चलो लिसन, ये ना सिर्फ टेस्ट है, सैंपल पेपर जो सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर है 19, 20 और 21 का, तो आपने करे हुए हैं क्लास में बहुत बार, तो आई वॉन्ट कि आप इसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू द लिंक और आप इसको अटेम्प्ट करो. ईजी है, ज्यादा नहीं है, बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आ रहा है. हाँ जी अर्पिता. मैम मेरे टेस्ट हो गया, मैंने फुल किया तो फुल किया है. फुल 20 आउट ऑफ 20. वेरी गुड. चलो फटाफट आप कंप्लीट कर लिए तो फिर हम लोग एक और सैंपल पेपर आई वुड लाइक टू डिस्कस. फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और जिन जिन का हो जाता है डू लेट मी नो. हाँ जी अंकुर, बच्चा आपका हो गया टेस्ट? यस मैम. कितने हैं आपके मार्क्स? 20 अपॉन 20 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20. बात है, सारों के मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी. वेरी गुड, कीप इट अप. जो कितना अच्छा लगता है अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो खुशी एक बार फील करो, फिर वो अच्छे से अच्छे मार्क्स आते तो कितना अच्छा लगता है. और फिर हर टेस्ट में ऐसे ही परफॉर्मेंस दिया करो ताकि और अच्छे मार्क्स आए आपके, आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा. तो आपके मार्क्स देख के ना एक दो दिन तक मेरा दिमाग खराब रहता है फिर. ओके साक्षी ऑल्सो गॉट 20 आउट ऑफ 20. आई हैवंट ओपन्ड येट अमन, मैंने अभी तक चेक करा नहीं. मैं अभी आफ्टर द क्लास मैं चेक करूंगी. आई विल प्रिपेयर शीट सो दैट कि मैम को दे दूंगी मैं, वो आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे. मैं ओपन नहीं कर रही हूँ.
गूगल फॉर्म, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कितने मार्क्स आएंगे। चलो फिर हम सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते 2018 का। आई थिंक काफी बच्चों का एग्जाम हो चुका है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 20 मिनट्स हैं, सो वी विल कंटिन्यू वन मोर सैंपल पेपर। हाँ जी साक्षी, यू कैन लीव द क्लास, बच्चा नॉट एन इशू। क्रिस्टीन आई थिंक लेट ज्वाइन किया है, क्रिस्टी बच्चा फटाफट से एग्जाम टेस्ट दो अपना। चलिए सो हम 2018 का सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज स्विच ऑन द कैमराज ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव डन देयर क्लास टेस्ट, और जो बच्चे भी टेस्ट क्लास टेस्ट दे रहे हैं प्लीज आप क्लास टेस्ट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब वंस यू आर फिनिश यू कैन ज्वाइन द क्लास, बिकॉज ये हम ऑलरेडी एक बार क्लास में कर चुके हैं, सो दिस इज द रीजन कि मैं ये वापस करवा रही हूँ, तो कोई इशू नहीं, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिराग, चिली चिराग, रीड दिस क्वेश्चन। Which feather help a coconut fruit? Feature, feature help a coconut fruit to float in water. A fiber outer covering, a soapy part, brush of hook, brush of spine. Mam, option number A, a fiber outer covering. Okay, option number A is the right answer. Chaliye. Next question is for Arpita. Chaliye Arpita, you are going to read this question. क्या ये क्या बना रही मम्मी, चटनी? जस्ट अ मिनट अर्पिता, नो व्हाट हैपेंड अर्पिता, यू वांट टू लीव द क्लास, यू हैविंग सम वर्क? यस मैम, मैं इधर में डॉक्टर हूं। ओके 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 ओके, देन लीव द क्लास। लेट्स गिव ऑप्शन टू अमन। चलिए अमन, यू रीड दिस क्वेश्चन प्लीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी मील्स। इसका करेक्ट आंसर इज बेरीबेरी। बेरीबेरी, एनीवन, कोई और आंसर करना चाहेगा? अमन, अंकुर, मैम इसका बेरीबेरी मैम डेफिशिएंसी डिजीज होती है मैम बेरीबेरी। अच्छा क्या होता है उससे मैम? वो मैम उससे बेरीबेरी में मैम जैसे विटामिन बी किससे होता है? नहीं, ये स्प्रेड होता है। क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब जो कि फैलती नहीं है। बेरी बेरी में होता क्या है यूजुअली, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में एक बार। यस बताइए यासमी मैम, चिकन पॉक्स। नो, बेरी बेरी इज द राइट आंसर। चिकन पॉक्स तो बच्चा कंटेजियस होता है। बेरी बेरी में आपकी बॉडी पे ना कुछ रेड रेड से कुछ बन जाते हैं, निशान से बन जाते हैं। एक बार गूगल पे आप अगर ये डालेंगे इस डिजीज का नेम, तो यू विल कम टू नो। और इसमें स्पेशली ये जो टारगेट करता है आई थिंक हैंड्स को, लेग्स को टारगेट करता है। ये समझ आया कुछ यार? यस मैम। हाँ जी ठीक है। सो वो उसमें कुछ दाने से बन जाता है, रेड रेड से कुछ निशान बन जाता है, तो ऐसे में आपके जो लेग्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, टारगेट भी सीधा हैंड्स को लेग्स को ही करता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज The rabies virus is carried by A. cockroaches, B. hens, C. dogs, D. rabbits. Mam, answer is dogs. Yes, ये जो rabies virus होता है बच्चे कौन कैरी करता है? Dogs है, wolves है, foxes है, cats है, bobcats है, ये क्या करते हैं? इनको कैरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अनिल। Milk turning sour is a physical change, reversible change, chemical change, none of these. Ma'am, answer is chemical change. Chemical change. क्या बात है, तुम तो सारे एकदम सारे पेपर से तुम सारे लोग बैठे हो, मार्क्स भी फुल में से फुल आ रहे हैं। चलिए अंकुर से रीड करवाते हैं नेक्स्ट। चलिए अंकुर, रीड दिस स्लाइड। The wearing of carrying away of soil by action of water or wind is called storm flood, soil erosion, deforestation. Soil erosion is the right answer. जब water and air इन agents के through जब air को यहाँ से वहाँ shift किया जाता है, the carrying away or the wearing away of these, so the carrying away of soil by the agents like water and air, what is This is called soil erosion. चलिए next question is for गार्गी। गार्गी, have you done your test बच्चा? हाँ जी गार्गी, have you done your test? No ma'am. No, तो चलो आप कर सकते हैं। हाँ जी अंशु, क्या बात बनी? Done? Ma'am, हो गया ma'am. After 20 marks. अरे किसकी help ली, किसकी ID use की? हाँ जी ma'am. किसकी ID फिर काम आई, किसने मतलब ID दी? Ma'am, मेरी हो गई थी. आपकी हो गई थी, चलो ठीक है, फिर read this slide, चलो अब unmute हो रहे तो।
Whale and dolphin are carpified. Classified. बेटा ब्रेक कर दो वर्ड से डरो मत इसको ब्रेक कर दो classified. Classified as fish. Fishes. Fish नहीं है fishes है ये सब लगाया गये yes continue. ब्रेक रीडिंग नहीं करनी स्पेलिंग रीड नहीं करते हैं बहुत गंदा लगता है reptiles. Reptiles mammals. और amphibians. ये देखो रीड कर लिया ना आपने कहाँ देखते थे स्पेलिंग पढ़ने से तो अच्छा है वर्ड्स को तोड़ दो ठीक है तो व्हाट इज द राइट आंसर मैम amphibians. Amphibians. ओके चिराग व्हाट इज द राइट आंसर मैम मैमल्स हाँ जी सॉरी यस मैम व्हाट इज द राइट आंसर मैम मैमल्स मैम क्योंकि मैम मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ओके Yes, whales are the mammals. Okay. Mammals. Mammals. So क्या है mammals जो है और mammals में हम किस किस को रख सकते हैं like dolphins हैं and whales हैं so they are classified as mammals. चलिए next question is for Chirag. चलिए अगेन Chirag से बात करते हैं. चलिए Chirag you read the slide with her. The working of the internal organ of our body is controlled by this system. Reproductive. Mam circulatory, respiratory, nervous system. Mam answer is nervous system. Okay, सबको answers पता है. चलो very good. Now हम अंकुर से बात करते हैं. चलिए अंकुर, you read the slide बच्चा. The person mind sends his heart does not send enough blood to blood fit liver kidney brain ma'am brain is the right answer agar hamare brain ko sufficient blood supply nahi hoti na to kya ho sakta hai faint hone ki condition aa sakti hai actually Yasmin you read this question beta yes ma'am the upward push of water on a floating object is called a buoyant force b volume c density d pressure ma'am a buoyant force buoyant force jo hai to kya hota hai jo object hote hain wo flow jo hai वाटर में स्टोर कर सकते हैं ओके हमने ये पहले डिस्कस किया था बॉयंट फोर्स क्या होता है सो अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मन्ना डन बेटा नो गार्गी आपका कंप्लीट मैम ओनली फॉर टू क्वेश्चन ओके ओके नॉट एन इशू चलिए गार्गी यू रीड दिस स्लाइड ओके मैम द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्टेट लिटिल लॉन्चर बाय रुको ट्रेन शराबी राजधानी आराम से आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज आर्यभट्ट ऑप्शन करो पहले ऑप्शन रीड करो ए ऑप्शन स्पुतनिक 1 बी ऑप्शन आर्यभट्ट स्पुतनिक ऑप्शन चक्र डी ऑप्शन इंसेट चरका कह दो चरक कह दो सो व्हाट इज द राइट आंसर गागी राइट आंसर क्या है गागी यस मैम आंसर तो बताया नहीं आपने आई एम वेटिंग मैम आर्यभट्ट आर्यभट्ट और ये गागी के 2 मार्क्स कहाँ गए हैं कौन ले गया 2 मार्क्स गिनती के 75 क्वेश्चन थे टोटल ज्यादा थे भी नहीं क्वेश्चन चलो मैं आपसे कल बात करती हूँ जब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे चलो नाउ ऋषि शर्मा और युवराज भारती बच्चे आप लोग ना कैमरा ऑन करते हो ना आप कुछ रिस्पॉन्ड करते हो आप क्लास में करने क्या आते हैं आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग चलिए आई नीड यू रीड दिस क्वेश्चन दोज हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट सिस्मोलॉजिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोलॉजर्स मैम सिस्मोलॉजी हम स्टार्टिंग से छोटी सी क्लास में करते आ रहे हैं सिस्मोलॉजी सिंपल सी बात है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इस सैंपल पेपर के चलिए हम अगेन यास्मीन से रीड करवाते हैं यस मैम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस ए कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑक्सीजन सी मीथेन डी सीएफसी मैम आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा सीएफसी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आंसर क्या बोला आपने यास्मीन सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया मैम कार्बन डाइऑक्साइड नो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द राइट आंसर यस अंकुर मैम कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर नो कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हिच इज नॉट नॉट पे फोकस करो
दे आर नॉट आस्किंग विच गैस इज द ग्रीन हाउस गैस. ये नेगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है, हमारा आंसर कई बार इसी में रॉन्ग हो जाता है. सबसे पहले तो क्वेश्चन पे फोकस करो. यस सिरा मैम, ऑक्सीजन आंसर. ऑक्सीजन इज द राइट आंसर. ओके, हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करो. ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं. सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन गार्गी. चलो बैठ जाओ गार्गी, रीड दिस क्वेश्चन. ओके मैम. मैम वो वाली स्क्रीन विजिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 63. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ. ए ऑप्शन सर्कल, बी ऑप्शन सेपर, सी ऑप्शन ग्लोब, डी ऑप्शन मार्बल. आंसर इज ग्लोब, सी ऑप्शन. आपके पास भी है एक ग्लोब, है ना? यस मैम. यस मैम, जो मैं क्लास में दिखा रही थी मैम. चलिए सो नेक्स्ट किस पे रीड करना है? देयर आर नॉट सो मेनी स्टूडेंट्स टुडे. चलिए चिराग आप रीड करिए. एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑन माउंटेन ऑन अ लार्ज स्केल एज. यू आर नॉट ऑडिबल एज दे आर नॉट ऑडिबल. चिराग ऑडिबल नहीं हो चिराग. यासमीन आप रीड करिए. यस मैम. एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन ए लार्ज स्केल एज दे ए आर थिनली पॉपुलेटेड, बी हैव अ shortage of land, C have a thin soil cover, D have unsuitable climate. Ma'am, answer is have unsuitable climate. No, this is not the right answer. Uncle, aap bataiye kya hai right answer? Have a thin soil cover. Yes, have a thin soil cover. Yasmin, dhang se answer bache ye question. Next mein wapis again jab aapke 3 sanay school ke paper ho jayega, again main combined test le lungi. Chaliye Uncle, you are going to read this. Right. The condition of atmosphere has given places and the time is called season, climate, altitude. Weather is the right answer. Okay, ठीक है. So देखिए question बहुत बार पूछा जाता है. The condition of the atmosphere at a given place and time. ठीक है, किसी particular place या जो time है हम nearly वो time 30 to 35 years होता है. तो इतने टाइम को क्या है कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वेदर बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट इज फॉर यस कृति टुडे गागी. यस मैम. कृति कहाँ पे है? कहाँ की दीदी है? मैम वो अपना वो वाला काम कर रही हैं. वो वाला काम कर रही हैं. अच्छा ठीक है, चलो फिर आप. मैम जो आपने 3 PDF दी थी अब तो कर रही है. अच्छा टेस्ट कर रही है. चलो क्वेश्चन नंबर 66. द हाईवे ऑफ सेंट्रल Africa, Africa is another name for A option River Nile, B option River Congo, C option River Nimbani, D option River Congo. Congo. Answer is D option River Congo. D option नहीं है, B option है River Congo में. बच्चा option पे भी focus करो. Congo है, this is Congo. So right answer is River Congo. चलिए अब चिराग read करेंगे again. Most of the grassland of the world are found in the tropical zone, temperature zone, torrid zone, arid zone. मैम temperature zone. Temperature कहाँ पर लिखा हुआ? मुझे तो कहीं temperature नहीं दिख रहा है. मैम टेम्परेट जोन आंसर. टेम्परेट जोन. तो बच्चा वर्ड्स पे फोकस करो ना. ठीक है, तो ज्यादातर ग्रासलैंड आपके कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट जोन के अंदर ही पाए जाते हैं. जोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ग्लोब पे मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवाए हैं. चलिए अंकुर रीड करेंगे. एनी साउंड लाउडर देन 19 डेसिबल कैन कॉज अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, टाइफाइड, लॉस ऑफ हियरिंग. अगर आपका 90 dB से अबव हो जाता है ना, तो उसके बाद तो फिर बहुत ही क्रॉनिक डैमेज की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे साउंड के कॉन्टेक्ट में रहते हो तो ये आपके जो है हियरिंग कैपेसिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा. चलिए अब रीड अगेन गार्गी से ही करवाते हैं. ऋषि यू लीव माई क्लास. बच्चा नो नीड टू अटेंड माई क्लास. शी लीव. कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, पता नहीं कल क्या है क्लास. युवराज यू ऑल्सो आप भी जाइए. चलिए गार्गी रीड दिस क्वेश्चन. मैम क्वेश्चन नंबर 69. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएट विद. ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन टेंसेस, सी ऑप्शन कालिदास,
डी ऑप्शन शहीद अमित खान. डी आंसर इज डी ऑप्शन शहीद अमित खान. सैयद अहमद खान. सैयद अहमद खान. ठीक है, बेचारे का नाम मत खराब करो उनका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ठीक है अली, ये जो सैयद अहमद खान थे ये बेसिकली आपके इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे कि जिसमें क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो उनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें. चलिए आपको यूरिडिक क्वेश्चन. The English government is introduced the policy of divide and rule attitude India. Educate India. Indian. Encourage nationalism. Prefer Indian suppress nationalism. Nationalism को दबाने के लिए उन्होंने क्या है divide and rule की policy को adopt किया था British. Last time वो यही कर रहे थे. चलिए हाँ जी यास्मीन आप लिख करिए. Yes, ma'am. पूर्ण स्वराज means A. Non-cooperation. B. Civil disobedience. C. Boycott. D. Complete independence. Ma'am, answer is complete independence. D option. Complete independence is the right answer. और 26 10 1929 को हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी first time. And this was the reason कि आगे चलकर जब हमारा constitution on 26 November 1945-49 को ready हो गया था, still we have waited for two more months कि हमने दो months वेट किया है एंड देन 26 जनवरी 1950 को क्या किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है. चलिए फिर आप देखिए आपका ऑडियो सिस्टम वर्क कर रहा है तो प्लीज रीड दिस स्लाइड. द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 12 मेंबर 552 मेंबर 238 मेंबर 543 मेंबर. मैम ऑप्शन नंबर बी 552 मेंबर. यस 552 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है दैट इज 543. इफ वी टॉक अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है 250 हो सकती है. एट प्रेजेंट कितनी है 245 है. और इसमें से भी 12 मेंबर्स कैसे होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. चलिए लास्ट टू क्वेश्चन हमारा आई थिंक गार्गी आप लिख कर लीजिए. Question number 73. The largest of League. Question number 73. The League of National was formed to prevent. A option destitution. B option loss of lives. Life. C option drought. D option Other World War. Correct answer is another World War. Okay, चलिए यासीन अब last के two question आप फटाफट repeat कर दीजिए. Okay ma'am. The world has been made smaller due to A. Wheels, B. Steam engines, C. Fast means of transport, D. Cars. Ma'am, answer is C. Fast means of transport. Internet is a source of information on A. Documentaries, B. Email, C. Any topic, D. A few topic. Ma'am, answer is any topic. Class, तो चलिए यहाँ पे आपके 2018 का सैंपल पेपर भी डिस्कस हो चुका है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग. बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड अब जो भी टेस्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी ऑन द गूगल क्लासरूम. तो प्लीज गूगल क्लासरूम के अपडेट पे ध्यान दीजिएगा. ओके बाय ऑल ऑफ यू. सी यू टुमारो. बाय बच्चों. बाय. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.